नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। फिल्म मेकर महेश भट्ट का कहना है कि शाहरुख खान सारा 2 फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी, जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। इतना बुरा होने के बाद भी शाहरुख ने उनसे दूरी नहीं बनाई। महेश भट्ट ने कहा कि कई फिल्मी सितारे उन डायरेक्टर से दूरी बना लेते हैं जो उनके साथ हिट फिल्में देने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन शाहरुख का रवैया उनके प्रति बिल्कुल नहीं बदला था। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने कहा, किसी ऐसे शख्स को ट्रीट करने के लिए एक राजा और सज्जन व्यक्ति की जरूरत होती है जिसने कोई हिट फिल्म नहीं दी है। हमारा रिश्ता कमर्शियल होता है, यहाँ लेन देन है। जब कोई डायरेक्टर किसी स्टार के साथ फ्लॉप फिल्म देता है तो अक्सर स्टार का रवैया बदल जाता है। फेलियर के बावजूद भी किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में जो सम्मान है उसे बरकरार रखने के लिए एक अलग तरह के नेचर की जरूरत होती है। इस वजह से दिखता है कि शाहरुख किस तरह के अच्छे इंसान हैं। फिल्म मेकर ने आगे कहा कि बुरी फिल्में भी अच्छी फिल्मों की तरह ही जुनून के साथ बनाई जाती हैं। यह पहली बार नहीं है कि महेश भट्ट ने शाहरुख खान की तारीफ की है। कुछ समय पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख बहुत बड़े आदमी हैं, वे एक महान इंसान हैं। फरीदा जलाल ने फिल्म डुप्लीकेट में शाहरुख खान के साथ काम किया था। इस बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, शाहरुख सेट पर हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। फिल्म डुप्लीकेट में मैंने उनकी माँ का रोल निभाया था। फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट हमेशा परेशान रहते थे क्योंकि शाहरुख हर सीन को कई बार शूट करते थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।